कांग्रेस के, एनसीपी के, दूसरे विपक्ष की पार्टियों के जितने भी एमएलएस थे वो ये मान कर रहे थे कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। कोर्ट का हवाला दिया जा रहा था कि हाई कोर्ट में हमको ये इजाजत दी है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए करके। वो इस तरह से जोश के साथ बोलते थे, उस बीजेपी से मांगते थे जिसका है तो कोई लेना देना ही नहीं है मुसलमानों से। आज जब यही हुकूमत के अंदर आ गए हैं तो आपने देखा है कि पिछले 2-2.5 सालों के अंदर कितनी मर्तबा कौन से मंत्री ने मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से कोई जिक्र किया हो, झूठे मुंह ही सही लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम मुंबई जा रहे हैं उनको ये याद दिलाने के लिए कि तुमने जब विपक्ष में बैठे थे तो तुम्हारा क्या मांग थी, आज सत्ता में आने के बाद गिरगिट की तरह कैसा रंग बदल दिए हैं, ये उनको याद दिलाने के लिए हम जा रहे हैं। तिरंगा इसलिए लहरा रहे हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर हमारा भी इख्तियार है, अधिकार है, और वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में 93,000 एकड़ जमीनें वक्फ की है, 93,000 एकड़। ये जमीनें क्या सचमुच ही वक्फ बोर्ड के पास है? तो जवाब मिलेगा नहीं, महज कागजों के ऊपर पे। ये जमीनें हैं तो पूरी तरह से हड़प ली गई है, बेच दी गई है। और गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मैं तो हम दावे के साथ कहते हैं कि सबसे ज्यादा वक्फ की जमीनों की धांधलियां जो की गई है वो कांग्रेस और एनसीपी के दौरे हुकूमत में की गई थी। करोड़ों रुपए की जमीनें बंदरबांट किया गया था उसका और वो खत्म कर दी गई। इन 93,000 एकड़ जमीन की देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कितने लोगों का स्टाफ है? तो महज 23 लोगों का स्टाफ है, 23। यानी कि इसका मतलब साफ है कि जो हमारी जमीनें हैं उसको कैसे खत्म किया जाए पूरी तरह से। ये जो मुसलमानों का इख्तियार है, उसके ऊपर हक है, अधिकार है, वो पूरी तरह से खत्म करने की सभी सरकारों ने कोशिश की है। ये एक उनको याद दिलाने के लिए, हमने पिछले वक्त हम गए थे मुंबई में जाके, जो सत्ता में बैठे हैं हम उन्हीं से मांगेंगे। तो आज सत्ता में बैठे हुए हमने पवार साहब के साथ मीटिंग करी और हमने ये कहा कि आप महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 500 करोड़ रुपये का पैकेज दीजिए ताकि जितनी हमारी जो खुली ज़मीनें हैं उसके ऊपर हम कमर्शियल स्पेसेस बना सकते हैं, स्कूल्स बना सकते हैं, तालीमी इदारे हम खड़े कर सकते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम पूरे महाराष्ट्र से गाड़ियों का काफिला 27 नवंबर के दिन वहां पर जाएगा और सिर्फ वहां पर मुंबई में पहुंचेंगे ऐसा नहीं है। मुंबई में जाने के बाद ये गाड़ियों का जो काफिला वहां पर पहुंचेगा तो एक सभा के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, एक पब्लिक मीटिंग वहां पर होगी और उस पब्लिक मीटिंग के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये दोनों को ही वहां पर हम दावत दे रहे हैं। असद साहब ने अपना कन्फर्मेशन दे दिया है, इंशाल्लाह हम अकबर साहब का भी कन्फर्मेशन लेंगे। सभी की ख्वाहिश है कि अकबर साहब ने भी आना चाहिए करके। तो ये हमारी मांगों को लेकर हम 27 तारीख के दिन पहुंचने वाले हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है और जब सत्ता में आते हैं तो कुछ अलग रंग दिखाते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो कुछ अलग रंग दिखाते हैं, तो उनको अपनी हकीकत दिखाने के लिए ये हम करेंगे। अगर हम वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ, अगर ये 27 तारीख का हमारी जो चलो मुंबई का नारा दिए है, हर ज़िले से, हर तालुके से, हर गांव से आप देखेंगे कि गाड़ियाँ निकलेगी, तिरंगा लहराते हुए मुंबई की तरफ कूच करेगी। इसके लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाएगी, जो रूट रहेगा उस रूट के ऊपर तमाम हमारे लोगों को खाने पीने का, चाय की जो भी सहूलियत रहेगी वो सब प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाएगी। जो हमारे एमएलए साहब हैं उन लोगों के साथ मीटिंग करके, फैयाज साहब के साथ मुंबई में मीटिंग करके हम लोग इसको एक बहुत अच्छा शेप देंगे और इतना यकीन दिलाते हैं कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर किसी ने ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा कि पूरा महाराष्ट्र मुंबई की तरफ जाएगा तिरंगा लहराते हुए।
तो आप लोगों का भी सहकार्य की जरूरत है। तो आज की मीटिंग के ताल्लुक से ये कुछ अहम फैसले लिए गए थे। आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो यकीनन इंशाल्लाह उसको असदुद्दीन अवैसी साहब जवाब देंगे। हाँ आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। नहीं हो गया इम्तियाज साहब तो पूरा आज की बैठक का हाँ पूरा नहीं पूरा बोल दिया इम्तियाज साहब। अगर आपको कोई सवाल है तो बताइए। कॉर्पोरेशन की इलेक्शन जो है वो सामने है, एमआईएम कैसी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ेगी और आपको क्या कामयाबी की अपेक्षा है? नहीं हमारे पास कंसिस्टेंटली हमारे संगठन पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर पूरी तरीके से काम चल रहा है और उसका रिव्यू भी आज हम लिए हैं और पूरा हमारे जो संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के तंजीम के जो जिम्मेदार लोग हैं प्रेसिडेंट हैं जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे हम डिटेल में बात किए और कैसा इलेक्शन में हम तैयारी आगे बढ़ेंगे, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उसमें है और वो लोगों का काम कैसा हो रहा है, तो सब पे माइन्यूट तरीके से बातचीत हुई है और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब कभी भी महाराष्ट्र में ये इलेक्शन होंगे एमआईएम पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ये मुस्लिम आरक्षण के लिए जो आप ये रैली निकालने जा रहे हैं तो मुस्लिम आरक्षण की आपकी कैसे डिमांड है? पहले जैसा 5% की मांग करने वाले हैं, तादाद बड़ी है इसलिए उसकी भी कोई परसेंटेज की बढ़ाने की मांग है? देखिए इम्तियाज साहब तो पूरा आपको डिटेल में बोल दिया है मगर जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है वो सिर्फ मुसलमान कहने बल्कि मुसलमानों में जो 50 ऑड कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिला है, मुस्लिम को नहीं। और उनका सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट से और दूसरा जो NSSO का डेटा है जिसको हाई कोर्ट ने माना है। हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ये महाराष्ट्र के मुस्लिम्स में जो इतनी कास्ट हैं वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल सकता है। वो एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ नहीं थे मगर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की सीलिंग 50% ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी इसलिए कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन में दे सकते। दूसरी बात यह है कि जब पार्लियामेंट में शिवसेना NCP और आपके कांग्रेस के MPs ने महाराष्ट्र के जो OBC का जो बिल आया था पार्लियामेंट में उसमें उन्होंने सिर्फ मराठा रिजर्वेशन की बात की, हम उनको याद दिलाना चाह रहे कि हम आप जब मराठा की बात कर रहे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया नंबर 1 पॉइंट, बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का सोशल वो कास्ट का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। तो अब उनको ये बताना चाहिए, ये जो सरकार है उनको ये बताना चाहिए कि जब एक कम्युनिटी के इतने कास्ट का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस एक्सेप्ट हो गया जिनको इंसाफ का तकाजा ये है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और ये बात सारी दुनिया को मालूम कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का जो कास्ट है उनका लिटरेसी रेट, उनका ड्रॉपआउट रेट, उनका ग्रेजुएशन में रेट ये सबसे कम है, दलित के बाद उनका नंबर आता है, तो उनको तो मिलना चाहिए। आप सिर्फ मुसलमानों से वोट लेंगे मगर उनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, उनसे इंसाफ नहीं करेंगे। एजुकेशन में अगर कोई कम्युनिटी उठ जाएंगी तो वो खुद एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट होगा जो ये जो मौजूदा सरकार है वो कम्प्लीटली महाराष्ट्र के मुस्लिम्स के एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं कर रही है। और एक अहम बात यह है कि आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त MIM पार्टी पर NCP और कांग्रेस ये कहकर वोट ले रहे थे कि मंजलिस को वोट मत दो, असदुद्दीन ओवैसी या इम्तियाज जलील या MIM के लीडर्स के बात में मत आओ वरना अगर तुम वोट दोगे तो शिवसेना और BJP को फायदा होगा। चुनाव होने के बाद
अचानक ये तीनों मिलकर एक दूसरे से शादी कर लेते, निकाह कर लेते, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? आप तो महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिए, स्पेशली महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा दिया। आप मुझे मेरा डर दिलाकर, MIM का खौफ दिलाकर आपने वोट तो बटोर लिया, मगर जाकर झोली में डाल दिया शिवसेना के। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। मगर आज हम जो डिसाइड करें, इसका डिसाइड करें, और 27 तारीख की मीटिंग होगी नवंबर में इंशाल्लाह। मगर MIM पार्टी ये सरकार से इमीडिएटली डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया उसको दिया जाए, इमीडिएटली दिया जाए उसको। आपको रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सिंसियर हैं अपनी बात में, तो इसको इम्प्लीमेंट करिए। और ये होना चाहिए, ये जस्टिस का एक सवाल है, और हम देखेंगे। सर, जैसा कि महाराष्ट्र में आपने मुसलमानों के अपने आवाज उठाई, उसका खैर मकदम है, लेकिन तेलंगाना ने ही 12.5% रिजर्वेशन का ऐलान। तेलंगाना में अभी जो हमारे को रिजर्वेशन तेलंगाना मिल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे पे मिल रहा है। और हमारी असेंबली में हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजाया है कि 50% कोटे को ब्रीच करो आप। ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी कही थी कि 50% जो कोटा जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ बनाए, उसको ब्रीच करे। और हमारा डिमांड ये है कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में जो आबादी का 50% हिस्सा है, उनको आप 27% दे रहे, और जो 10% है उनको आप 20% दे रहे। तो ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के लिए भी पार्लियामेंट में डिमांड किया कि आप 50% का जो है वो उसको ब्रीच करिए, लॉ लेकर आइए आप, क्योंकि आपके पास आज मुल्क में, देश में एम्पिरिकल डेटा है जो इस बात को बता देगा कि अदर बैकवर्ड कास्ट भी इसको डिजर्व करते हैं। मगर मुस्लिम आरक्षण का मसला है कि ऑलरेडी हाईकोर्ट क्लियर कर चुका है उसको। जिस दिन 50% का लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी लेके आएंगे, फैंटास्टिक, तेलंगाना में बढ़ेगा कोटा, क्यों नहीं बढ़ेगा। मगर आज आपको जो है मिल रहा है ना 4%, तो आपको जो मिल रहा पहले ले लेना, जो पहले मिल रहा उसको ले लो आप, उससे फायदा भी हो रहा उससे। आप कुछ बोल रहे थे सर? सर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इलेक्शन से, उत्तर प्रदेश में राजधर सिंह की पार्टी से आप अलायंस करने वाले थे, लेकिन वो छोड़कर चले गए। अब जो आपके सामने यहाँ पर भी, जैसे कांग्रेस ने, NCP ने यहाँ पर प्रोपेगेंडा करी कि अगर आप वोट देते हैं तो BJP आएंगे, वहाँ पर भी यही। नहीं, आप ये देखिए ना कि आज मेरे को बहुत मजा आ रहा। मैं बैठ के बोलते ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो, क्या है, कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को क्रिटिसाइज कर रही, उन्होंने BJP से मिले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे कि इनकी वजह से हम सरकार नहीं बना सके। ममता बनर्जी आपके गोवा को जा रहे तो कांग्रेस ये बोल रही कि इन्होंने डीलिंग कर लिए। ममता बनर्जी ये बोल रहे कि कांग्रेस में दम ही नहीं है। वो दिल्ली की पार्टी गोवा जा रही, पंजाब जा रही, तो कांग्रेस उनको बोल रही। अब हम ये पूछना चाह रहे कि भाई साहब, ये तुम में से कितनों ने डीलिंग कर ली? वो मुंबई के जमान में क्या बोलते उसको, मांडोली हो गई, वो कर कितनों ने कर ली मांडोली, बताओ। मार हम बिहार में लड़े, आप क्यों गए? बंगाल में हम नहीं जीते, आप क्यों गए? अब उत्तर प्रदेश में जा रहे तो अरे भाई, तुम आपस में ही तुम एक दूसरे को गाली दे रहे। तो ये इनका, ये इनको एक्सपोज करता।
कि बस आप हमारे टेरिटरी में नहीं आ, जैसे यदि एक फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं, लोग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं, ए तुम कैसा आया भाई, गया फ्यूडलिज्म का जमाना चला गया, कोई नहीं रुकने वाला है। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल, एमआईएम के हिस्से में ही क्यों आता है वोट कटवा पार्टी? नहीं इसलिए आता है, इसलिए लोग ये झूठा इल्जाम लगाते, क्योंकि कोई भी पार्टी चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, या आपके समाजवादी पार्टी हो, वो नहीं चाहते कि भारत के मुसलमानों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप का प्लेटफॉर्म बने या पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। वो सब समाज की लीडरशिप चाहते, मगर अगर किसी एक समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं चाहते तो मुसलमान का है, ये हकीकत है। सबको बोलेंगे हाँ ये आपका नेता है, ये बरादरी का, ये जात का, ये कास्ट का, इसका लीडर है, मगर जब मुसलमानों की बात आती है हमारे को बोलते हैं कि भाई साहब आपका काम ये है कि जनसभा से पहले आप चद्दर बिछाना, कुर्सियां बिछाना, और जब हम आएंगे नारे लगाना, कूद कूद के नारे लगाना, और जब हम डाइस पे आ जाएंगे तो एक फूल का माला पहनाना, हम तुम्हारे साथ एक गले में ठहर के फोटो ले लेंगे, उसके बाद तुम घर को जाके सो जा। हम ये बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, हम कुर्सी पे बैठेंगे, अपने मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। अगर भारत में हर कम्युनिटी, हर कास्ट को अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार है, तो भारत के बिगेस्ट माइनॉरिटी का ये हक पहुंचता, बल्कि उनको बनाना चाहिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप। सवाल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, सवाल देश के सबसे बड़ी माइनॉरिटी का है कि आप उनको कैसे बैकवर्ड रख रहे, हर एतबार से बैकवर्ड रख रहे और उनसे इंसाफ नहीं कर रहे। और भारत की जो जमहूरियत है उसकी तल हकीकत है, ये है रियलिटी है कि जिस समाज और कास्ट के पास उसकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी आवाज को सुना जाता। तो ये एक टर्निंग है, ये एक डेवलपमेंट है भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी में, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है ये सब चीजों का आगे जो हम बढ़ रहे हैं। अलायंस की जब बात आती है तो आपका वंचित के साथ जो है अलायंस टूट गया था, तो उसके बाद आपने महाराष्ट्र में ऐसी कोई पार किया है जब? देखिए वंचित से हम नहीं अलायंस तोड़े, हमारी तरफ से हम नहीं तोड़े, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, और आज भी मेरे दिल में और कल भी इंशाल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूंगा प्रकाश अम्बेडकर साहब के ताल्लुक से मेरे दिल में हमेशा हमदर्दी रहेंगी, मगर वो अलायंस हम नहीं तोड़े। हम तो अलायंस को कंटिन्यू करना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन ऐसा लिया। अगर फिर से उनका हाथ आपके तरफ आता है तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, तो अगर ऐसे हालात बनते हैं, कुछ होता है तो जरूर आपको बताएंगे। दूसरा सवाल ये है कि कॉर्पोरेशन के बहुत सारे इलेक्शन हैं, 6 से 8 कॉर्पोरेशन जो है महाराष्ट्र में, उसके इलेक्शन सामने हैं, कुछ दिनों में होने वाले हैं, तो एमआईएम के ये सारे कॉर्पोरेशन की इलेक्शन लड़ने वाली है, मुंबई का भी इलेक्शन है, वही बात इम्तियाज जलील साहब ने आप तमाम को बताई है। यकीनन एमआईएम पार्टी उन इलेक्शंस में हिस्सा लेगी और पूरी तैयारी के साथ हम उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लड़ेंगे, और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि जनता अपनी दुआओं से, अपने वोट से हमको कामयाब करेगी। सर माइनॉरिटी के हकूक के लिए एक ही आवाज़ पूरे मुल्क में गूंजती है, वो आपकी आवाज़ है, लेकिन इस मुल्क में अकलियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, जैसे आसाम और त्रिपुरा। नहीं देखिए त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी गवर्नमेंट की नाकामी और उनके सपोर्ट से वो तमाम गुंडे लोग मस्जिदों को टारगेट किए, मस्जिदों को नुकसान भी पहुंचाए, मस्जिदों को जलाए भी, ये त्रिपुरा की बीजेपी गवर्नमेंट की खुली उनका कनाइवंस है, उनकी नाकामी है, और वो ओपनली उनको इजाज़त दिए कि इस तरह का जुलूस निकालो और जाकर ये तमाम वैंडलिज्म करो। आसाम में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर तो आप देखे कि एक आदमी जो जिसको पुलिस ने गोली मार दी उसकी लाश के ऊपर एक फोटोग्राफर जो गवर्नमेंट का है उसके ऊपर कूद रहा है। आप ये भी देख लिए कि उत्तर प्रदेश में एक गुप्ता साहब है जिनको गोरखपुर की पुलिस कस्टडी में उनके टॉर्चर से डेथ हो गया, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और समाजवादी के अखिलेश यादव उस पीड़ित परिवार घर चले गए। हम भी कंडेम किए गुप्ता साहब के डेथ को, गवर्नमेंट से 50 लाख दिए, वो
और समाजवादी से 21 लाख का चेक दिए। वही उन्नाव में एक फैसल नाम का बच्चा है, तरकारी बेचने वाला, 19 साल का भी नहीं है बच्चा, उसको पुलिस कस्टडी में मर गया। आज तक कोई नहीं आता पूछने उसको, कोई पूछता नहीं जाके उसको। ये सेलेक्टिव सिंपथी जो है ना, ये बताता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से कितनी हमदर्दी इनके दिल में है और दिमाग में। तो ये तो हो रहा है। आर्यन खान का जो मैटर अभी चल रहा है, अरे मेयर को क्यों पूछ रहे भाई, मैं खुद ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार हूं, हम क्या कम है क्या? ये हमारे साथ मुफ्ती साहब हमारे बिगेस्ट स्टार है, फारूक शाह सुपर स्टार है, इम्तियाज जलील मेगा स्टार है, ये हमको कहां लेके आ रहे हैं? सर बांग्लादेश ने भी क्या वो उससे क्या कर रहे हैं? देखिए इस तरह से सेंट्रल की टीमें महाराष्ट्र में कारकर्दगी कर रही है जैसा। अरे मेरी एक बात सुनिए, ख्वाजा यूनुस की लाश अब तक नहीं मिली, कौन रोएगा ख्वाजा यूनुस के लिए? जिसके पास दौलत है, जिसके पास पैसा है, उसकी बेल की हियरिंग भी होती है और बेल भी हो जाती। एक सिद्दीक कप्पा ने आपके फ्रेटर्निटी का जर्नलिस्ट है, हाथरस में एक रेप हुआ था दलित बच्ची का, उसको कवर करने गया, अब तक जेल में है, कोई पूछने वाला नहीं है। हद तो यह है कि सिद्दीक के साथ एक टैक्सी ड्राइवर था, उसको क्या मालूम भाई, चलिए सिद्दीक के ऊपर, टैक्सी ड्राइवर है पेट कमाने के लिए लिख गया, वो जेल में है, उसके बारे में कोई पूछता नहीं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में एक आदमी को निकला इनोसेंट प्रिजनर्स, किताब लिखा पढ़ी आप, क्या क्या नहीं किया गया, उसके नाखून खींचे गए, उसके ऊपर गंदगी डाली गई, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात नहीं करने वाला इसका। आज महाराष्ट्र के जेलों में दलित और मुसलमान हाईएस्ट आदिवासी अंडर ट्रायल्स हैं, कौन पूछेगा इनको, कौन निकालेगा इन लोगों को? इनका कसूर दो है, एक तो एक दलित है आदिवासी मुसलमान है, दूसरा गरीब है, पैसा नहीं है इनके पास, पूरा उसी पर ये अरे फिर इनके बारे में कौन बोलेगा भाई? क्या ये हमारा सिस्टम, हमारा सरकार क्या खाली पैसे वालों के लिए हो चलेगा, या फिर जस्टिस फॉर द पोर भी होगा, बेल फॉर द पोर भी होगा, नहीं होगा, इस पर बात ही नहीं हो रही है। और वो जो लोग जो जेलों में सड़ रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद हो जा रही, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। इसीलिए मैं इस मसले बात ही नहीं करना चाह रहा हूं, मेरे को मतलब ही नहीं है इन लोगों से, इन दौलतमंदों से क्या करने का है। तो इसीलिए हम बोल रहे एनपीआर एनआरसी नहीं करना, तुम समझ में अब आ रहा है इन लोगों की? हम पहले ही बोले थे पार्लियामेंट में, कागज किसके ने भी नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे एनपीआर एनआरसी मत करो। देख लिए ना, अगर कोई एनपीआर एनआरसी होगा, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, निकाहनामा, अब तो निकाहनामा भी निकल रहा। इसीलिए हम बोले एनपीआर एनआरसी नहीं करना इस देश में। अब उन्हों क्या करे नहीं करे मेरे को उससे क्या मतलब है? आपको मालूम एक बच्चा समीर भी है जो जेल में है अभी तक, उसके उसकी मां को जाके क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे बोलो आप? को क्या होगा उन लोगों का जो मालेगांव में मुफ्ती साहब से पूछे, जो बच्चे जो मालेगांव में पांच साल जेल में थे, उन्होंने मीडिया का नाम अगर आप बोले तो उनको ऐसा उनके रोंगटे खड़े हो जाते, क्या होने वाला है, इतना डर उनको पैदा हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है, मगर दौलत ये क्या कि दौलत से ही आपको इंसाफ मिलेगा क्या? तो जो गरीब जिसके पास कुछ नहीं है क्या करेंगे बताओ उन्हें आप? हमको क्या करना है इन चीजों से? मैं पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे को मतलब नहीं इन चीजों से। ये कौन लोग हैं, ये क्या करेंगे? क्या पोलिंग के दिन निकल के लोग सब निकलते क्या? जो जोहरी पिटता है रोड पर धूप में, सर्दी में, बारिश में, उसका क्या होगा? खिदमत करने वाले मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी और उमर गौतम, ये लोग देखिए देखिए आप ये सवाल जो है जो कांग्रेस में बैठे हुए बड़े लोग हैं उनसे पूछना कि भाई ये मौलाना के बारे में आपकी राय क्या है? कोई नहीं बोलेंगे, हम ही बोलते हैं।
भाई वोट भी तो आपको होना ना, तो फिर बोलो ना मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में। कोई नहीं बोलता उनके बारे में, क्यों नहीं बोलते भाई आप? क्यों डरते आप बोलने के लिए? मुसलमानों का वोट होना और मुसलमानों पर जो जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, तो उस पर आप लपकशाई नहीं करेंगे, जबान नहीं लाएंगे, कोई अल्फाज नहीं बोलेंगे। तो यहां पर तो महाराष्ट्र में तो जो ड्रामा हुआ सेकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा दिए कांग्रेस एनसीपी, और कांग्रेस तो 15 साल हुकूमत करके नंबर 3 की पार्टी हो गई, माशाल्लाह, नजरे बद से बचाए अल्लाह इनको, 1 से 3 पे आ गए, 15 साल हुकूमत के 3 नंबर पे आ गए, फिर भी हम कोई गाली देते। वो बोलते ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, गिरे तो गिरे मेरी टांग ऊपर बोलते हैं, गिरो और गिरेंगे इंशाल्लाह। जरा मोदी पे भी पूछ लो ना, नहीं पूछते? अरे हाँ प्लीज, हाँ पूछिए ना प्लीज, इंतजार करो बेचैनी से। हाँ आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है क्या? हाँ तो आपको तकलीफ हो रही। कितना मुंबई में कितना होगा? 113 रुपए लीटर, 115, 117। मगर उसके बावजूद भी मोदी को वोट देंगे। 8 क्वार्टर से इकोनॉमी डाउन है, मगर क्या हो रहा है बताइए आप? हर पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होने से हर कमोडिटी पे इंक्रीज हो चुका है। मैं तो देश के महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बहनों, मेरे माताओं, अब आपको बताना पड़ेगा मोदी जी को कि कितना घर में सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। और ये बिल्कुल, ये तो अरे खुली छूट दे दिए, जो चाहे कि माने पेट्रोल बढ़ते रहेगा, उससे हर कमोडिटी पर, एसेंशियल कमोडिटीज पर उसका प्राइस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, जिससे लोगों की इनकम जो कम हो चुकी है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है लोग, बहुत मुश्किल में लोग। क्यों नहीं बोल रहे? हम तो बोल रहे ना कम से कम, क्यों नहीं बोल रहे? हम तो वही तो आप यही बोलना चाह रहे हैं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे हैं, बीजेपी अगर पूरे देश में जीत रही है, तो हमारी वजह से नहीं, कांग्रेस एनसीपी ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज की वजह से बीजेपी जीत रही, ये तो उनको सोचना चाहिए। और ये दोनों पार्टियां जाते गोवा को, कोई तूफान नहीं उठता। अगर मैं अनाउंस कर दूं कि नेक्स्ट वीक मैं और मुफ्ती साहब एक मस्जिद में जाके खाली गोवा में नमाज पढ़ के आएंगे, खाली नमाज पढ़ के आएंगे, देखो आप शाम से शुरू हो जाता, आई वोट काटने जा रहे, डील हो गई, फुला हो गया, ये हो गया, मगर ये लोग जा रहे तो दूध के धुले हुए ना। देखिए ये हमारी डेमोक्रेसी, सो डेमोक्रेसी का ये इनका रियल फेस है लोग, कि कभी मुसलमान अगर बोलेगा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप क्यों लड़ते, आप कैसा जाते, मगर वो लड़ रहे, एक दूसरे को उंगली भी उठा रहे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे, मगर वो सिवियरिटी नहीं है। मगर जाए मायम का नाम आ जाएगा, जो देखो वो कर लिए, ये कर लिए, अरे शिवसेना सब, हम एनसीपी से पूछना चाह रहे, कांग्रेस से, शिवसेना सेकुलर है या नहीं है बताओ? तो बोलेंगे नहीं बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को रोकना है तो दोनों में फर्क नहीं है, अगर कल 24 में शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ लिया इलेक्शन तो क्या करेंगे? ये मेरे स्टेटमेंट को याद रखना, आप आज के दिन क्या करेंगे लोग, क्या बोलेंगे जनता को? और आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर फकर से बोलता है कि हाँ हमारे शिवसैनिक ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, तो ये लोग क्या मुंह में लड्डू बिठा के बैठे थे एनसीपी कांग्रेस वाले? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था पार्लियामेंट में डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के ऊपर? आज आप सरकार में बैठे, आप एक लफ्ज नहीं बोलते आप? क्यों? सत्ता होना, ताकत होना मिनिस्टरों का सवाल है, ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे फिर ये लोग? इसमें क्या तोड़ हो सकता है? अभी जो वोटर है संभ्रम है, इसका तोड़ खाली एमआईएम ही है। सही बता रहा हूँ आपको, आज नहीं कल ये हकीकत सामने आएंगी। सर जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश में, उस पर आपका क्या कहना है? एग्जांपल दो आप।
देखिए जहाँ तक LIC की बात है, मैं हम लोग पार्लियामेंट में अपोज करे उसको, कंप्लीट अपोज करे, ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। LIC का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मुल्क के तारीखी आसार गिरवी रख दिए जा रहे हैं, प्राइवेट ठेकों पे दे दिए जा रहे हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है और दूसरे तारीखी इमारत। यही होता आपको जब 56 इंच को देख के वोट दिए तो 10,000 किलो जो ड्रग्स मिला है गुजरात में अरानी के, हाँ उसके बारे में क्या अभी सुना कि उसमें 100 किलो कम हो गए। सर देश में किसान तो मतलब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपको? नहीं, जो जो मोदी सरकार ने कानून बनाए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई राइट ही नहीं है एग्रीकल्चर पर लॉ बनाने का, वो स्टेट सब्जेक्ट में आता, स्टेट लिस्ट में आता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए और वो किसानों के हित में भी नहीं है, किसानों के मफाद में नहीं है, काश्तकारों के मफाद में नहीं है और वो कानून को जाना चाहिए, वो कानून खत्म होना चाहिए। इससे किसान का फायदा नुकसान होगा, पूरे आप बड़े बड़े अरबपतियों को आप फायदा पहुंचाना चाह रहे। बहुत सारे स्टेट है देश के, वो अभी केंद्र के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं, केंद्र जो स्टेट के कामों में है ना दखलअंदाजी दे रहा है। महाराष्ट्र भी वैसा बोला है, कर्नाटक ने भी बोला है, तेलंगाना से भी, बंगाल से भी बात हो चुकी है कि स्टेट के काम में केंद्र अपनी दखलअंदाजी दे रहा है। आपका क्या इसमें निरीक्षण है? क्या नहीं, मेरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता कि आप तो अभी क्रिटिसाइज कर रहे ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इन लोगों के जो अपने अपने उंगली को काट के मोदी को दे दिए, हाथ को नहीं काटे अभी, UAPA का लॉ लेके आए, उसमें आपने क्यों सपोर्ट किया मोदी को, बीजेपी को, कांग्रेस ने, NCP ने क्यों सपोर्ट किया? जब आपको ये नहीं मालूम था ये करेंगे, माने दिल्ली में बैठकर एक इंस्पेक्टर वो बोल देगा कि औरंगाबाद का एक्स आदमी टेररिस्ट है, बस खत्म, टेररिस्ट हो गया वो विदाउट इवन कोर्ट कन्विक्शन, आपने सपोर्ट किया नहीं किया बताओ आप? इन्फर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, उनकी सब चीजें आपने क्यों सपोर्ट किया भाई? आप ही तो कर रहे हैं ना, आर्टिकल 370 का रिवोकेशन, सब बाजा बजाए बट हम बोल रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देखो वो पलटाई कर रहे हैं वो लोग। ऐसे कई एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं आपको, बिगेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं लॉकडाउन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई अख्तियार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट में, वहां दिल्ली से बैठ के मोदी जी बोले लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे थाली बजा दिए, यस सर लगाओ लॉकडाउन। आप तय करना था कि महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन कब लगेगा, पुनः डिक्टेट दे रहे वहां से नेशनल डिजास्टर एक्ट में, क्या नेशनल डिजास्टर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है क्या? आप क्यों दिए उनको अख्तियार, आप क्यों सुने उनकी बात? वैसे सब स्टेट्स किए, आप मोदी की बात मानते जा रहे, मोदी बोला ठीक है चलो मित्रों हम साथ चलते हैं, उनको आप दे रहे ना उनको राइट। पूरा लॉकडाउन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे तय करती, दिल्ली में बैठ के ऑफिसर कैसे तय करे कि मुंबई में लॉकडाउन कब होगा, हैदराबाद में कब होगा, लखनऊ में कब होगा? उसको क्या मालूम मुंबई में, हैदराबाद, लखनऊ में क्या है? वो उसको क्या मालूम कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में कैसा लॉकडाउन करेंगे? उसको क्या मालूम मराठवाड़ा में कब करेंगे? आपने कर दिया, आपने इजाजत दी उनको, आप ही तो दे रहे ना मौका उनको। पॉलिटिकल सवाल मेरा ये है कि अभी आप भी बोले कि हिंदुत्ववादी के साथ कांग्रेस राष्ट्रवादी कौन है स्टेट में बैठे हैं, ये सब उथल पुथल हो रहा है, तो MIR क्या सोच रहा है? लास्ट टाइम वंचित बहुजन के साथ में थोड़ा सा आपका ये हो गया, लेकिन शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं चले,
उत्तर प्रदेश में उनके कदम पे एमआई बाद में कदम डालेंगे। हाँ नहीं नहीं हमारा हमारा तो हमारा रास्ता एक से सीधा है, जिसको हम उर्दू अरबी में सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, हमारा स्ट्रेट पाथ। वो ये लोगों का कैसा है, ये कभी नाली में गिर जाते हैं, कभी खड्डे में गिरते हैं, कभी ये पानी में, कभी बुरे पानी में, निकल के फिर साफ पानी में आ जाते हैं। इनका प्रॉब्लम यही है। हम तो हमारे लिए पूरे एवेन्यूज ओपन है, और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे हम बताएंगे आप। प्रकाश अम्बेडकर ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ की थी उसका अच्छा परिणाम देखा, लेकिन उसके सिर्फ देखिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, नहीं हो सकता बोल के मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, मगर वो अलायंस एमआईएम की वजह से नहीं खत्म हुआ। हम तो आज भी और कल भी प्रकाश अंबेडकर साहब की इज्जत करते थे, करते रहेंगे, मगर वो अलायंस हमारी वजह से खत्म नहीं हुआ। तो पूरे स्टेट के कार्यकर्ता है, उनकी बात सुनी गई आज, तो क्या बोल रहे? नहीं, हमारे स्टेट के पूरे मेंबर्स, पार्टी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब लोग अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, और हमको बताए कि एमआईएम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में हम उनसे बात करें और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करें, कैसा कैंपेन हम करेंगे, क्या करेंगे, तो अच्छा है। वो उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। तो पूरी सीट महाराष्ट्र में लड़े जाएंगे या? हाँ लड़ेंगे, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। प्रकाश अम्बेडकर ने तुमसे और आपके ऊपर एक आरोप लगाया था कि वंचित के लोग एमआईएम को वोट तो करते हैं, लेकिन एमआईएम के कार्यकर्ता है या मुस्लिम समाज है वो वंचित को वोट नहीं करता, इसलिए वंचित की सीटें चुनकर नहीं आती, तो इसलिए वंचित का एमआईएम के साथ होना ये उनके लिए फायदेमंद नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंबेडकर साहब को, प्रकाश अंबेडकर साहब को थोड़ा गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर ये ऐसा बात कर रहे हैं तो उनकी राय है जो सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में दलित बोले बोले ना बोलो 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 यहाँ पर आपने पूरे महाराष्ट्र का जायजा लिया, कहीं पार्टी के अंदरूनी मामला कैसे चल रहे हैं, जहाँ पर एक दूसरे के आरोप हो रहे हैं, कुछ नाराजगी है, आप तक आई है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, जो नेता बोला जाएगा औरंगाबाद में, ऐसी कुछ दो पार्टियां बड़े नेता है औरंगाबाद के अंदर चलती है, सब अंडर वन पार्टी लीडरशिप काम कर रहे हैं और काम करेंगे, और जिसको जो बात करना था हम बात कर लिए, कि हमारे घर की बात है, सुने सुने सुने। हाँ नहीं सही है, बात बाहर आ गई, मगर अब बात बाहर नहीं आएंगे, अंदर ही रहेंगी। अच्छा रहेगा, बिल्कुल 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 मिलाव जुलाव है, था है और रहेगा, और इंशाल्लाह ताला जो और अच्छे तरीके से मिल के काम करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बात सही है, बात आई, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एमआईएम की जड़ें कितनी मजबूत होंगी, क्या गैर मुस्लिम वोट भी हासिल हो सकते हैं? देखिए, सियासी पार्टी की जड़ें मजबूत करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जड़ों को फैलाना बोलते, देखो तो जड़ों को फैला रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है, और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा नतीजा आएगा। दिल्ली में आपसे इतने दिल्ली के कुछ ग्रुप्स ने आपके घर पर हमला किया, नहीं मेरे घर पे पहली मरतबा हमला नहीं हुआ, ये चौथी मरतबा हुआ है हमला, फोर्थ टाइम हुआ है हमला ये, और आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि मेरे घर के इमीडिएट नेबर कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन और मेरे घर के सामने जो दिल्ली का पुलिस का हेडक्वार्टर है, यानी उनके कैमरे, पूरे कैमरे मेरे घर पे रहते माशाल्लाह से, सामने से पीछे से फिर भी हमला होता है, और हमला करने वाले लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो पुलिस को आने में जरा थोड़ी देर हो जाती है, ओनली 35 मिनट्स लगे उनको सामने से आगे, चल के आए तो 5 मिनट में आ सकते थे, मगर गाड़ी में आए तो शायद ट्रैफिक में फंस गए थे, इस तरह से 35 मिनट लगे उनको, कोई बात नहीं, 35 मिनट्स लगे, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए होंगे, VIP कॉन्वॉय जा रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। औरंगाबाद का नाम बदलने का, औरंगाबाद का नाम बदलने का मसला जो है फिर एक बार चर्चा में आ रहा है, जो भी इलेक्शन के सामने हर बार आता ही है, इस बार कुछ GR में जो है वो औरंगाबाद के बजाय संभाजीनगर डाल रहे हैं,
वो इम्तियाज साहब उस पर अच्छा बोलेंगे, एमपी साहब है महाराष्ट्र में कुछ एमआईएम के कार्यकर्ता में गुने दाखिल हो रहे हैं, उसको कड़ी बात किया जा रहा है, ऐसे बहुत से केसेस सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ता के खिलाफ जो हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उनके साथ ठहरेंगे, उनके परिवार के साथ ठहरेंगे। अगर ये हो रहा है हम जैसे सही कह रहे हैं, हम उसका कंडेम करते हैं और पूरी लीगल सपोर्ट हम उनको देंगे। और इस तरह के हरकतों से एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हो या जिम्मेदारों के हौसले पस्त नहीं होंगे बल्कि हौसले बुलंद होंगे। और ये एक बात को बताता है कि यहाँ की सरकार डर रही है, बौखलाहट का शिकार है एमआईएम के पॉपुलैरिटी और उनके ज़मीन पर काम करने की वजह से। सर जैसा पिछले 5 सालों से पहले दिया गया था ओवीसी हॉस्पिटल और स्कूल का, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ होगा, अभी अभी क्या साहब बात करके अकबरुद्दीन उस हिसाब से होगा। अच्छा फिक्र मत। 2019 में मोदी साहब की एक बेल थी, उनको सर्विस मिला, अभी कुछ सर्विस बोल रहे कि मोदी की कैपेबिलिटी जो है थोड़ी सी कम होती जाए, मतलब राज्य का परफॉर्मेंस करते तो वहाँ से कैसा देखते आप 2024 को? नहीं मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि लगा के देख के बोलने का, ना तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। और तभी 2024 को टाइम है, मगर देश की जो जनता है उनको ये देखना है कि 8 क्वार्टर से हमारी इकोनॉमी गिरते जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। और कहीं पर भी आप चले जाइए, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ये और किसानों का मसला, बर्निंग मसला है। तो 24 में क्या होगा कैसे होगा, मगर ये इश्यूज तो है पब्लिक के जहन में, होना चाहिए ना, होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, देखिए क्या होता है। जलील साहब खासदार होने के बाद आप औरंगाबाद में आए हैं, आपको लग रहा है कुछ बदला हुआ है? नहीं नहीं आप ऐसा मत बोलिए, लॉकडाउन की वजह से मैं भी नहीं आ सका, वरना मैं पहले आता था, एक लॉकडाउन दो लॉकडाउन बीच में आया भी था मैं एक दिन के लिए, ऐसा नहीं कि पहली मरतबा आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डेवलपमेंट का काम इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं और जितना वो करना है कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो एमपीलैड फंड्स की कोविड की वजह से अब नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में शुरू होंगे, मगर उसके बावजूद भी वो बराबर आप देखिए कि स्टेडियम का काम शुरू होने वाला है और नेहरू युवा केंद्र की नई नेहरू भवन की नई बिल्डिंग बनने वाली है और गडकरी साहब से जाके मिले एक लंबा फ्लाईओवर के लिए जालना रोड पे, चौथा वो खुद पीआईएल डाले कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर्स के जो स्केयरसिटी है। तो मैं समझता हूँ कि 200 बेड का एज एन एमपी माशाल्लाह से इम्तियाज जलील साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जो बरसों से औरंगाबाद के इलेक्टोरेट जिस चीज़ को देखना चाह रहे थे कि भाई डेवलपमेंट हो, काम हो, कोई एमपी जो है काम करे, वो उनको आज देखने को मिल रहा है। सर मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क की सरहदें कितनी महफूज है, खासतौर पर चाइना कश्मीर? देखिए चाइना ने एक कानून पास कर दिया अपने बॉर्डर्स के ऊपर, और चाइना ने और उसके ऊपर मैं मेरे को हाँ अब आप मेरे को ये बताइए कि हमारे डेपसांग डेमचौक गोगरा में जो लद्दाख में है चीन की फौज बैठी हुई है, ये कैसा नेशनलिज्म है आरएसएस का बीजेपी का कि भारत की सरजमीन पर चीन बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं करते। और चीन ने जो अपना बाउंड्री लॉ बनाया है, मेरा सवाल मोदी गवर्नमेंट से ये है कि हमारी सरकार जो है AIB बैंक है जिसको चाइनीज कंट्रोल करते, उनसे कर्जा लेके वैक्सीन खरीद रहे आप, वो बैंक को चाइनीज कंट्रोल लेते हैं, उनसे आप लेके वो कर रहे। अच्छा चाइना से ट्रेड हमारा ऑल टाइम हाई है, 100 बिलियन हो गया माशाल्लाह से,
ये देखो आप इनको कुछ बोलेंगे तो नहीं हम ऐप बैन कर दिए बोलते। चाइना और भूटान, भूटान हमारा करीबी दोस्त, वो चाइना से बाउंड्री टॉक्स का फ्रेमवर्क बना लिया और हमारे नेबर्स का रिलेशन चाइना से अच्छा हो गया। चाइना आज भी लद्दाख में बैठा हुआ है, 18 महीने हो गए चाइना लद्दाख में बैठकर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं तो मोदी सरकार से हमेशा डिमांड कर रहा हूँ कि आप जो है ग्रुप ऑफ एमपीज को लद्दाख लेके जाइए, हमारे को दिखाइए ना क्या है लद्दाख में, चीन बैठा है नहीं बैठा है। 18 महीने से मोदी जी खुद बोले थे, आपको याद होगा ना, घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, तो फिर आज आप क्या बात करें डिसएंगेजमेंट की चाइना से। ये कैसा है, ये लोग कैसा, आरएसएस कैसा खामोश बैठी हुई है भाई, वहां पर चीन घुस के बैठा है भारत क्या, और हम बोंगसोंगसू लेक में ऐसा उनसे फ्रेमवर्क करें कि भाई एक एरिया बना दिए, ठीक है आप नहीं जाना हम, अरे मैं अपने घर में नहीं जा सकता हूं, मैं अपने घर की जमीन में। तो ये है। ओके सर, रिसेंटली हटने के बाद अभी मिनिस्टर को हर 15 दिन 20 दिन को एक मिनिस्टर जाता, अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर जाके आए, 370 के बाद आप कश्मीर को कैसा देखते हैं? क्या बदला कश्मीर में? कुछ नहीं बदला। 15 से हमारे भारत के सिपाहियों को टेररिस्ट उनकी जान ले लिए, सिविलियन किलिंग्स हो गए 20 से 25 माह पे, पाकिस्तान से ड्रोन्स में हथियार आ रहे, क्या कर रहे भाई आप, क्या कर रहे वहां पे आप, कुछ नहीं कर रहे। और आप किसकी बातों में आकर आपने पाकिस्तान से सीज फायर दोबारा साइन किया भाई, किस बुनियाद पे साइन किया आपने सीज फायर को, कौन सा सीज फायर है जो हमारे सिपाही मर रहे वहां पर? एलएसी पे चीन, एलओसी पे पाकिस्तानी हरकत कर रहा है और आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। क्रिकेट मैच हम बोले मत खेलो, हार गए तो खाली शमी को टारगेट बना रहे आप, क्या है, क्या फॉरेन पॉलिसी है मोदी सरकार की बताइए आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सेडेशन का अगर किसी पे केस लगता तो वॉयलेंस होना जरूरी है, जब वॉयलेंस नहीं होता सेडेशन कैसा होता बताइए, कैसा सेडेशन केस बुक करते आप। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, अभी एक बेल ऑर्डर आया था 2 दिन पहले आप देखो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 38 एंड 39 ऑफ यूएपीए विल नॉट अप्लाई इवन इफ यू आर फेवरिंग सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो, आप मैंने अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बस उसका देख के बोलता हूं, मैं लाइव लॉ में पढ़ा, मैं वो खुलता नहीं मालूम यहाँ पे, बट हाँ देखा बहरहाल सेक्शन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है आप देख लीजिए वो। तो ये बात करेगी सेडेशन लगा दो, ये लगा दो, और आपके जो मिनिस्टर का बेटा है उन्होंने तो उनको डेंगू हो गया तो मलेरिया हो गया तो जेल में टहल रहा, आपने चमन में टहला था टहल रहा, वो वीडियो वायरल हुआ तो जेल को भिजा दिया उसको। बाप मंत्री है और बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा है और मोदी जी बोल रहे इंसाफ करेंगे, क्या इंसाफ करेंगे भाई आप, का इंसाफ होगा, थार गाड़ी उसकी, बाप की गाड़ी, और इन योगी बोलते अब्बा जी अब्बा जान, अभी अब्बा जान को क्या करेंगे जो मिनिस्टर बन के बैठे हुए। आप बताइए कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मिनिस्टर है उसके बेटे पे मर्डर का चार्ज है, 4 किसानों को मारने का, अरे मॉरली तो आप उसको रिजाइन कराओ, जब कोर्ट डिसाइड करता उसके बाद आप फैसला लो, मर नहीं दिखाना चाह रहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, उसमें भी कास्टिज्म है क्योंकि उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से, उनका वोट होना इलेक्शन के लिए तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो अब्बा जान के बेटे को बचा रहे, ये इनके पॉलिटिक्स है। तीन प्रश्न विचारतो, एक म्हणजे निवडणूक शहरात ही औरंगाबाद शहरात खुलताबाद आहे याचं नेमकं काय कारण आहे, दुसरं म्हणजे सोलापूर नाही खुलदाबाद में अच्छी जगह है ना,
साफ सुथरी जगह है, मत नहीं नहीं ऐसा 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 अरे अरे मेरे भाई हर चीज को आप ऐसा इतना माइक्रोस्कोप में मत लगा के देखो, दखनी जबान में ऐसा नक्को देखो आप। अब दूसरा, सोलापुर में कुछ आपके नगर सेवक जो है, छह नगर सेवक जो राष्ट्रवादी के स्टेज पर दिखाई दिए हैं कुछ दिन पहले, तो कुछ कार्रवाई होने वाली है? अब दूसरा और एक सवाल पूछ, नहीं नहीं सुनिए रुक जाइए, चले गए क्या क्या कर सकते, जान दो जिसको जाना है जाओ, जा सकते हो उन क्या करने का है, हम जाएंगे सोलापुर को। तीसरा, अभी पांच राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो MIM पार्टी उनमें से किन राज्यों में अपनी ताकत लगा कर लड़ेगी? यूपी में तो हम लड़ रहे हैं, यूपी में पूरी तैयारी कर रहे हैं और यूपी में अच्छा खासा हमारा काम भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, पूरा निकल के आएगा, दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो बात मालूम। मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यहाँ के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़ेंगे पूरे सीट, हाँ लड़ेंगे इंशाल्लाह। अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और कौन बोल रहे भाई? अच्छा आप, हाँ ये तीन पार्टी है, तो अब MIM और बीजेपी का कुछ नहीं चलेगा, शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस का कहना है, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े रहते खाली, सुनो आप, अरे छोड़िए ना, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े रहते मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये सब तीनों पार्टियां साथ में लड़ेगी। हाँ तो कहाँ सीटें बचेगी आप? तीनों मिलके लड़ रहे, आप तो बोल दिए मिलके लड़ रहे, बोल के क्या होता, एक मर्द सब पे भारी, फिक्र मत करो आप। हाँ बी टीम बोल, बी टीम सुनिए हमार को बोले कि ओवैसी को मजलिस कोर्ट मत दो, शिवसेना बीजेपी आ जाएगी, चुनाव हो गए तो तीनों शिवसेना कांग्रेस एनसीपी बैठ के निकाह कर लिए। अब वो मुफ्ती साहब फतवा दे सकते, वो सियासी निकाह कैसा होगा, निकाह कर लिए तीनों मिलके, शादी कर लिए। विधानसभा चुनाव में कुछ फोटो तस्वीरें भी बाहर आई थी ना, काका साहब के घर में कोई लोग मिले, उनसे बात किए, क्या ऐसे कुछ तस्वीरें भी आई थी सामने भी, क्या क्या मिले बीच में विधानसभा इलेक्शन में मिले थे, मीटिंग कहते हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं मिले। अरे अरे नहीं देखिए देखिए, अगर मिले तो घर में मिले ना, उम्मीदवार कैसे, अरे सुनिए मिले होंगे तो उसमें बुरी बात क्या है, मगर हम लड़ रहे नहीं लड़ रहे बीजेपी से, हम लड़ रहे शिवसेना से लड़ रहे। अच्छा अभी अभी ये तो वंचित के साथ, हाँ वंचित के साथ, अरे देर से आ रहे, पूछ लिए लोग आप देर से आए, सर एक सवाल के बात आप सिलेक्टिव सिंपथी की बात करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं, आप ही के लोग आपके साथ पूरी ताकत में है, देखिए आप जहाँ भी जाते हैं इलेक्शन लड़ते हैं आप लॉस हो जाते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं आप, तो ऐसा क्यों होता है, आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं है? कहाँ कहाँ हारे भाई, नहीं कहाँ हारे, नहीं एक मिनट कहाँ हारे सर, कोलकाता में कहाँ, कोलकाता में कहाँ, अरे भाई पहला इलेक्शन सुनिए, पहला इलेक्शन हारने को जरूरी है हारना, हारे ना नेक्स्ट टाइम जीतेंगे, कितने पांच सीट लड़ा मैं, मगर कितना तूफान खड़ा कर दिए, सुनिए 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 मेरे आप सवाल, सुनिए तो सही, अरे अरे सुनिए तो सही, इतना आप लंच नहीं करे होंगे, भूख लग रही होंगी, मालूम है धैर्य जरा, इतना तो मेरे को तो बोलने दीजिए, मेरे को भी भूख मिटाने दीजिए अपनी, हम पांच सीट लड़े नहीं जीते कोई बात नहीं, मगर कितना तूफान खड़ा करे, ऐसा देखा आसमान सर गिरने वाला है, मगर वही ममता बनर्जी अब कांग्रेस के लोगों को ले रहे, वही कांग्रेस इनको बोल रही जो हमको बोलती थी, वही ममता बनर्जी कांग्रेस को बोल रही जो हमको बोलती थी, तो ये क्या डीलिंग हो गई इन लोगों की, ये क्या डीलिंग है बताइए, आसाम के कांग्रेस के लीडर को ले लिए, क्या हुआ बताइए फिर, और गोवा में जाके ममता बनर्जी मीटिंग को एड्रेस कर रहे, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे, वही बिहार में हम 19 सीट लड़े पांच जीते, 9 पे लालू कांग्रेस जीते, 6 पे NDA जीता, कितना तूफान मचा है, अब दोनों लड़ रहे तो क्या है भाई, ये होली अलायंस है क्या, ये
नहीं नहीं हम देखिए देखिए आपका आपके साथ है हाँ आप मुसलमानों की बात देखिए देखिए आप आपको नहीं 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 आपकी गलतफहमी दूर कर दे रहा हूँ। आप क्यों से मुसलमान बोले, मेरे साथ दलित भी है, मेरे साथ आदिवासी भी है, मेरे साथ हर वो आदमी है जो इंसाफ को पसंद करता, क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है। और आप चेंज देखते जाएंगे और चेंज होगा इंशाल्लाह माहौल। नहीं अरे टर्न आउट में भी दिख रहा भाई, देखिए 21 साल के शिवसेना को एमपी को कौन हराई, कांग्रेस हराई, एनसीपी हराई, औरंगाबाद की जनता हरा दी उनको, तो ये भी तो फैक्ट है ना। ओबीसी रिजर्वेशन को लेके काफी मैं बोल दिया ओबीसी के बारे में, आपके लिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम बीजेपी गवर्नमेंट को ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर उनको ओबीसी से मोहब्बत है तो 50% लिमिट को ब्रीच करिए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करिए, बिल लेकर आइए पार्लियामेंट में, क्योंकि जो समाज का 50% है उसको 27% कैसा मिलेगा रिजर्वेशन, ये तो नाइंसाफी है ना। जो 10% है उनको आप 20% दे रहे, ये क्या बात है भाई। तो 50% लिमिट को ब्रीच करना और ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है, सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। अभी थर्ड अलायंस बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, तो कौन मीटिंग भी कर रहे हैं, ममता जी हैं, शरद पवार हैं, बीच में मीटिंग भी हो रही है नेशनल लेवल पर, आपको कौन सा ऐसा चेहरा लगता है कि जो इन सब लोगों को इकट्ठा ला सकता है, किसके साथ जाना चाहिए, ऐसा कोई चेहरा आपको लगता है? अरे भाई ममता बनर्जी कांग्रेस आजकल टक्कर में है, एक दूसरे को बोल रहे बी टीम, इनसे पैसा ले लिए, उनसे ले लिए, अब वो उनसे भी पूछ लो आप कौन सा चेहरा है क्या है, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ये अलायंस सक्सेस हो सकता है कौन सा, वो भी ये कहां का अलायंस, कौन सी आइडियोलॉजी पे बेस रहेगा जिसमें शिवसेना भी रहेंगी, जिसमें शिवसेना भी रहेंगी, नहीं नहीं देखिए आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मुंह में मेरी जबान है, आपकी जबान नहीं है, और मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। और ये है कि अभी 24 को टाइम है,